चलिए परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य समझ लेते हैं। तो परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है, मतलब जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की जरूरत है, क्योंकि यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी। तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन जिएगा और रहन सहन भी अच्छा होगा। यदि सीमित बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। तो ये तो हुआ परिवार नियोजन का उद्देश्य। चलिए अब परिवार नियोजन की विधियों को समझा देते हैं, यानी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में बता देते हैं। तो परिवार नियोजन की विधियों को दो समूहों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अस्थायी विधियां अथवा टेम्परेरी मेथड और दूसरा है स्थायी विधियां अथवा परमानेंट मेथड। तो पहले अस्थायी विधियों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत पहली विधि है आवर्ती विधि या आवर्ती संयम। यह विधि स्त्री के मासिक धर्म पर आधारित है। यह गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है। इसमें अंडोत्सर्ग के संभावित दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संभोग नहीं करना चाहिए। स्त्री में अंडोत्सर्ग मासिक धर्म या MC आने के 14वें दिन होता है, इसीलिए स्त्री के मासिक चक्र या MC के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच संभोग नहीं करना चाहिए। इस काल को असुरक्षित काल कहा जाता है, क्योंकि यदि 10वें दिन से 17वें दिन के बीच संभोग करेंगे तो बच्चा पैदा होने की बहुत अधिक चांस होते हैं। तो इस प्रकार से परिवार को नियोजित किया जा सकता है। फिर नियोजन की अगली विधि है लूप अथवा कॉपर्टी। महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र जाकर अपने जन्म पथ में लूप या कॉपर्टी लगवा लेनी चाहिए। लूप या कॉपर्टी कैसी दिखती है आपको हम चित्र में दिखा रहे हैं। ये है जिससे गर्भधारण नहीं होगा, यानी लूप या कॉपर्टी लगवाने से गर्भधारण नहीं होता है, मतलब स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भधारण करने से अपना बचाव कर सकती। जो पहला चित्र आप देख रहे हैं ये कॉपर टी का है और दूसरे चित्र में देखिए किस तरह से स्त्री में कॉपर टी को फिट किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता है और परिवार नियोजित करने में हेल्प मिलती है। फिर परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग की अगली विधि है निरोध या कंडोम का प्रयोग करना। लैंगिक संपर्क के समय पुरुष को निरोध का प्रयोग करना चाहिए। निरोध का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। यह निरोध पॉलीयुरेथेन का बना होता है, एक पतली थैली जैसी संरचना होती है। इसके प्रयोग से पुरुष का वीर्य स्त्री के योनि में नहीं जाता, मतलब उसी निरोध या कंडोम में वीर्य रह जाता है।